Hello everyone, how are you? Hope all of you are fit and fine. Today we will do Unit 9 poem Granny, Granny, please comb my hair. Today we will do Target Learning Outcomes, Textbook and Internal Exercise. First of all, we will do Target Learning Outcomes. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट लव एंड केयर ऑफ एल्डर्स हमारे घर में जो बड़े हैं जो हमें प्यार करते हैं दुलार करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे दे विल नो अबाउट न्यू वर्ड्स एंड देयर प्रनाउंसिएशन जो इस पोएम में नए नए वर्ड्स आएंगे उन्हें कैसे बोलना है और उनका स्पेलिंग्स क्या है उनके बारे में हम जानेंगे दे विल नो अबाउट प्रनाउंस प्रनाउंस क्या होते हैं ये कंसेप्ट भी हम इसी में सीखेंगे Let's start. First is summary of poem. This poem is about a young girl and his grandmother. The young girl asks her grandmother to comb her hair. She talks about how her grandmother cares for her. She further talks about how she sits and rubs coconut oil in her hair. She tells about her grandmother praises her after finishing combing her hair. समरीन हिंदी यह कविता एक छोटी लड़की तथा उसकी दादी जी के बारे में है छोटी लड़की अपनी दादी जी से बालों में कंघी करने को कहती है वह इस बारे में बताती है कि, कि किस प्रकार उसकी दादी जी उसका ध्यान रखती हैं वह आगे बताती है कि किस प्रकार उसकी दादी बैठकर उसके बालों में नारियल का तेल लगाती है वह बताती है कि किस प्रकार उसकी दादी उसके बालों में कंघी करने के बाद उसकी सराहना करती है क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन वट डज द लिटल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है आंसर द लिटल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कोम हर हेयर वो अपने बालों में तेल लगवाना और कंघी करवाना चाहती है सेकेंड क्वेश्चन वट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर ग्रैनी दादी माँ उसके बालों में क्या मालिश करती है ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर ग्रहणी जो है उसके बालों पर नारियल के तेल की मालिश करती है डस द लिटल गर्ल लव हर ग्रहणी क्या छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है यस द लिटल गर्ल लव्स हर ग्रहणी छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती है नेक्स्ट डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं येस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ मी हाँ मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं डू यू स्पेंड टाइम विद देम क्या आप उनके साथ कुछ समय बिताते हो ये ऐसा आई स्पेंड ए गुड अमाउंट ऑफ़ टाइम विद देम मैं उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताता हूँ या बिताती हूँ हाउ डू यू हेल्प देम आप उनकी किस प्रकार सहायता करते हैं आई हेल्प देम बाय डूइंग ए नंबर ऑफ देयर स्मॉल टास्क लाइक वाटरिंग द प्लांट पौधों को पानी देना एंड असिस्ट माई ग्रैंड मदर वाई शी इज़ कुकिंग इन द गार्डन और जब कुकिंग इन द किचन जब मेरी दादी माँ घर में किचन में खाना बनाती है तो मैं उनकी सहायता करता हूँ या करती हूँ नेक्स्ट वट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन यूर लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को क्या कहते हो दादाजी और अम्मा वट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज दादाजी और बाबा डू यू नो एनी ओल्ड पीपल कैन यू नेम them? क्या कुछ बूढ़े व्यक्तियों को आप जानते हो क्या उनके नाम के बारे में जानते हो Yes, आई नो ओल्ड पीपल Their नेम आर मिस्टर श्रीजा एंड Mrs. श्रेया नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू मेक देम happy? आप उन्हें कैसे खुश रख सकते हो आंसर आई कैन मेक देम हैपी बाई चैटिंग विद उनसे बातचीत करके और उन्हें रिस्पेक्ट और लव देकर हैव यू एवर गोन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स क्या आप अपने दादा दादी के साथ कभी बाहर गए हैं आंसर येस आई ऑफन गो आउट विद माई ग्रैंड पेरेंट्स हाँ मैं अक्सर अपने दादा दादी के साथ बाहर जाता हूँ या जाती हूँ नेक्स्ट मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्राम द वर्ड आपको वर्ड से नए लेटर्स बनाने हैं ग्रैंड पेरेंट्स यू मे यूज़ द लेटर्स इन ऑर्डर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड्स को यूज़ करना है फर्स्ट इज़ रेंट आपको क्या दिया है रेंट ठीक है रेंट के बाद हम क्या बना सकते हैं ग्रैंड जी आर ए एन टी पी आर टी पार्ट पी आर ई एन टी एस पेरेंट्स टी ई ए टी टी ई एन टेन ए एन डी एंड ए एन टी एस आट्स पी एन टी एस पेंट्स ठीक है और भी आप बना सकते हैं समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम ऑफ द पीपल विद अनदर वर्ड हम जो है किसी और के साथ हम वर्ड्स को चेंज कर देते हैं नेम को इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम नेम को रिपीट करने की जगह रिप्लेस द नेम इन सेंटेंस यूजिंग ए वर्ड एक वर्ड यूज करके उसे रिप्लेस करना है यहाँ पर हमें इसी को हम क्या कहते हैं प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या होता है जब हम नेम प्लेस थिंक को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं दैट इज़ कार्ड प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या होते हैं ही शी इट माई यू एटसेट्रा मीना इज़ प्लेइंग विद ए टोल मीना क्या है मीना एक लड़की है लड़की के साथ क्या लगेगा शी क्या लगेगा शी ठीक है हम क्या लगा देंगे शी राम इज क्लाइंबिंग ए ट्री राम पेड़ पर चल रहा है डैश इज ए बॉय वो क्या है एक बॉय है बॉय है तो क्या बन जाएगा ही ठीक है क्या बन जाएगा ही उसके बाद डू नॉट ईट दैट मैंगो इस मैंगो को मत खाओ डैश इज not ripe ये पका हुआ नहीं है इट ठीक है वॉय अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे आई टी ठीक है ओके नेक्स्ट इज सपोज़ यू गो टू स्टे विध योर ग्रैंड पेरेंट्स सपोज कीजिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है रुकने के लिए जा रहे हैं वन वीक के लिए मेक अ लिस्ट दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम उनके लिए जो चीज़ें ले जाना चाहोगे उसकी लिस्ट बनानी है डो नोट फोर गेट टू पुट ए एन और द बिफोर ईच थिंग हर चीज़ के आगे आपको क्या लगाना है ए लगाना है या एन लगाना है या दी लगाना है देखिए अ स्वीट बॉक्स अ पेयर ऑफ फॉर माय ग्रैंड पेरेंट्स अ बॉक्स फुल ऑफ मेडिसन्स अ होली बुक अ वार्म क्लोथ लाइक सॉक्स शॉल और स्वेटर एन एमरजेंसी टॉर्च लाइट अ रूम हीटर सीजनल फ्रूट्स अ स्टोरी बुक देखिए जहाँ पे हमारे पास वावल नहीं है कॉन्सोनेंट है वी है प्लेस्ट ए वहाँ पे हमने क्या लगाया है ए अभी यहाँ पे ई e क्या है हमारे पास वावल वावल कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू तो ये ई e हमारा वावल है तो हमने क्या लगाया एन ठीक है आर कौनसोनेंट है आर के साथ अ ठीक है हुँ. स्टोरी एस जो है हमारा ठीक uh, है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मेक के थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपको थैंक यू कार्ड बनाना है उसके लिए आप चार्ट पेपर लेंगे स्केच पेन स्टिकर डिज़ाइन ब्लॉक कुछ भी चीज़ें आप लाओगे ठीक है देखिए मेक दिस वे फोल्ड द पेपर पेपर को दो भाग में आपने फोल्ड करना है ड्रा और स्टिक पिक्चर्स ऑन इट इस पर पिक्चर्स जो है आप पेस्ट कर सकते हो और अंदर एक मैसेज लिखना है कैसे डियर ग्रैंड फादर और डियर ग्रैंड मदर ठीक है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो हम इस तरह से एक जो है कार्ड बना सकते हैं देखो कितना सुंदर कार्ड है हमने जो है रोज़ की पेटल ली है और रोज़ की लीव ली है जो बाग में गार्डन में गिरा हुआ रोज था एक मुरझा गया था उसको हमने ले लिया और उसकी लीव्स जो थी ऊपर गिरी हुई थी गार्डन में उनको उठा लिया और उनको क्या किया हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दी हमने काइट और यहाँ क्या लिख दिया हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे ओके और अंदर हम क्या लिख देंगे डियर ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आई लव यू और नीचे क्या लिखोगे आप अपना नाम यहाँ पे भी आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर यह काइट बनाई है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंड फादर ये मीना के ग्रैंड फादर की आउटलाइन है एड इज है राइट इच वर्ड इन द गिवन बॉक्स कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम पिक्चर को कलर करना है तो पहले हम इसको कलर कर देते हैं ठीक है ये हमने कलर कर दिया इसको देखो ये येलो हो गई पहले क्या थी वाइट थी अब क्या हो गई ये येलो हो गई ठीक है येलो ब्लू पेंट हो गई ठीक है कॉलर्स हमने रेड कर दिए ठीक है अब आप इसमें क्या कर सकते हो डिटेलिंग कर सकते हो सबसे पहले हमें जो है स्टिक बनानी है ठीक है तो आप इनके हाथ में क्या बना सकते हो एक स्टिक ठीक है ये क्या बन जाएगी एक स्टिक बन जाएगी ठीक इसी तरह से आप हैट बना सकते हो इनके सर पर ये हेट बना सकते हो इसी तरह से एक टाई लगा सकते हो यहां पर ठीक है इस तरह से और डिटेलिंग आप यहां पे कर सकते हो इनकी मुछे बना सकते हो जो भी आपने बनानी है ओके तो ये आपको कंप्लीट करना है यहां से उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अ पिकनिक दिस इज ए फैमिली पिक्चर सीन पिकनिक सीन गिव नेम्स टू ऑल द पीपल ऑल सभी लोगों को आपने अपनी मर्जी से नाम देने हैं लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेजिज गिवन इन द बॉक्स ये जो हमें दिया हुआ है ना इनको यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं ईटिंग फूड टूगेदर पिकिंग अ पेपर वेस्ट पेपर Uh, serving food, playing football, talking to elderly people, fishing with grandparents. My entire family came together for a picnic. My name is Minnie. I am picking up waste material. Look at this picture. This is Minnie, and she is picking the waste material to throw into the dustbin. माई मदर सोनिया इज़ ऑफरिंग ए पीस ऑफ केक टू माई ग्रैनी दिस इज़ हर मदर शी इज हर मदर दिस इज़ द केक शी इज हर ग्रैनी माई यंगर ब्रदर राज मेरा छोटा भाई राज जो है एंड माई फादर सुनील आर प्लेइंग विद फुटबॉल दिस इज राज एंड ही इज राज एंड हेयर यू कैन सी द फादर ऑफ द मिनी

नेक्स्ट रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट द गर्ल इन द पोएम आस्क हर ग्रहणी टू कॉम हर ग्रैनी टुक गुड केयर ऑफ हर एंड मेड हर सीट ऑन क्वन सी यू एस एच आई ओ N okay? She rubbed coconut oil C O C O N U. कोकोनट ऑल इन द गर्ल्स हियर बिफोर कॉमिट इट डज ग्रैनी लव द लिटिल गर्ल येस डू यू लव यूर ग्रैंड पेरेंट्स येस ओके हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद Them a lot of time. What are the activities that you enjoy doing, grandparents? Play, sing, storytelling, dance, etc. राइट फाइव वर्ड्स डेट कम टू यूर माइंड वैन यू विथ यूर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो फील इन डिटेल अबाउट देअर बर्थडे लाइक्स डिसक्स फेवरेट फूड कलर ड्रेस होब्बी एटसेट्रा माइंड ग्रैंड फादर ग्रैंड पा जो है उनका जो है आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हो ठीक है कुछ भी वन वन नाइनटीन सेवेंटी ठीक है ग्रैंड पेरेंट का आप फिल कर सकते हो ग्रैंड मदर का फिल कर सकते हो वन वन नाइनटीन सेवेंटी फोर ठीक है कुछ भी आप फिल कर सकते हो उसी तरह से ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो गई नेक्स्ट आप जो है उनकी लाइक्स लिख कर सकते हो कॉफ़ी टी ठीक है डिसलाइक क्या उन्हें पसंद नहीं है क्वर्ल एनीथिंग यू कैन राइट दूध पीना जो है पसंद नहीं है दादी को भी दूध पीना पसंद नहीं है ठीक है फेवरेट फूड फेवरेट फूड आप लिख सकते हो चपाती ठीक है दादी माँ का फेवरेट फूड जो है वो लिख सकते हो आप जैसे हम लिख सकते हैं खीर ठीक है इस तरह से कलर दाद दादा का आप लिख सकते हो ब्लू दादी का आप लिख सकते हो रेड जो भी है इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो ओके नेक्स्ट सर्टेन वर्ड्स लाइक ही शी इट आई यू मी हर हिम वी ये सब क्या है हमारे प्रोनाउंस हैं देम आर यूज टू दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट द नाउंस जहाँ नाउन का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ हम इन सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे सच वर्ड्स आर कार्ड प्रोनाउंस सर्कल द प्रनाउन इन सेंटेंस गिवन बिलो वी विल गो टू द मार्केट टूमारो तो यहाँ पे हमें प्रनाउंस देखने है उनको सर्कल करना है वी शी ठीक है यू आई दे ओके ही वी, आई आई ऑल ऑफ दीज आर प्रनाउंस ओके प्रनाउंस आर द वर्ड्स विच आर रिटर्न और स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन की जगह हम जिन शब्दों को बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम प्रनाउन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द परनाउन एंड री राइट द सन्टेंस हमें क्या करना है इन्हें दोबारा से लिखना है माई फादर माई फादर हमारा क्या है बॉय है तो क्या लिख देंगे ही इज वेरी हार्ड वर्किंग ठीक है ये पूरा कंप्लीट करना है मीना एंड टीना दे दो आ गई ठीक है कंप्लीट करोगे इस सेंटेंस को आई बोट एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर माई ब्रदर ठीक है अनवी हैज़ ए पैडोग अनवी चेंज हो जाएगा द हाउस इज वेरी बिग द हाउस क्या हो जाएगा इट यहाँ क्या हो जाएगा शी सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा हर सोहन एंड आई वेंट टू प्ले मैच ओके इनी एंड अनवी आर सिस्टर इनी एंड अनवी दे आल ओफर्स वेंट फॉर ए ड्राइव इनको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे ओके नेक्स्ट है इवेल्यूशन आपको खुद से करना है राइट डाउन फाइव सेंटेंसेज अबाउट द थिंग्स दैट यू डू फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो आप काम करते हो वो आपने लिखने हैं यहाँ पे आपको क्या करनी है उनकी पिक्स लगानी है यहाँ पे दादा की दादी की ठीक है दादा की दादी की नाना की नानी की ठीक है दादा दादी नाना नानी ना, ना, ओके लेट्स प्रैक्टिस आपको ये प्रैक्टिस करनी है लिखना है आई लव माय ग्रैंड पेरेंट्स दे लव मी टू मैं अपने दादा दादी को प्यार करता हूँ या करती हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं बाय बाय हैव ए नाइस डे टेक केयर थैंक यू वेरी मच